लक्ष्य नहीं है तो क्या मजा है जीने में आप और हम हमेशा सोचते हैं कि काश कम लागत और कम मेहनत में अच्छी आमदनी कमा सके जी हाँ आप अगर ये सोचते हैं तो आप ये मुमकिन है। वो कैसे अगर हम थोड़ी मेहनत करें और अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो मछली पालन में बायोफ्लॉक्स टेक्निक एक ऐसी विधि है जिससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे नमस्कार मैं सोनिका ढडवाल आज स्टूडियो में मछली पालन की बायोफ्लॉक्स तकनीक की विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सोमनाथ जी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरी डिपार्टमेंट में सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर जैसे कि मैंने विषय का नाम लिया कि बायोफ्लॉक्स तकनीक से मछली पालन सबसे पहले ये बायोफ्लॉक्स फिश फार्मिंग क्या है मैम अगर हम सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के दर्श सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार हम बात कर रहे हैं बायोफ्लॉक मछली पालन के बारे में और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो अभी तक जो हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं वो है एक ट्रेडिशनल तरीके से या तो फ़िश पॉन्ड बनाकर या ट्राउट रेस वेज बनाकर या कुछ उसी तरह से टैंक बनाकर लेकिन बदलते वक्त के साथ जिस तरह से इंसान की ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो ज़मीन भी कम पड़ रही है पानी की कमी हो रही है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे कम पानी में और कम जमीन पे मछली पालन कर सकते हैं उसका एक एडवांस रूप है हमारा ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग तो जैसा कि इसका नाम बायोफ्लॉक रखा गया है तो उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि इट इज़ एग्रीगेशन ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको एग्रीगेट करके मछली का फ़िश का जो कल्चर है उनके साथ जो है इसको कल्चर किया जाता है और वो क्या करते हैं और किस तरह से हमारे फिश फार्मिंग जो मछली पालन कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पूरी तकनीक का नाम जो है वो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है अगर हम इसमें बात करें जैसे फिश अगर हम एक टैंक में कल्चर कर रहे हैं तो फिश का जो फिकल मैटर रहता है वो मोनोटेलिक होता है उसमें अमोनिया रहता है और धीरे धीरे क्या है वो पानी जो है वो पॉइजनस होना शुरू हो जाता है अगर हम वो वाटर एक्सचेंज नहीं, नहीं करते, करते हैं। है। तो ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या है एक ऐसी टेक्निक है कि हमने फिश फिकल मैटर के ही यूजफुल इंग्रेडिएंट्स को कन्वर्ट करना है यूजफुल फीड में यूजफुल प्रोटीन्स में कि जिसको मछली ग्रहण कर सके और उसी से उसकी ग्रोथ जो है वो फर्दर हो सके तो इसके लिए क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिसमें बेसिलस बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे बेसिलस सप्टीलिस है बेसिलस पीमिफार्मिस है बेसिलस लाइकिनिफॉर्मिस है इनको कल्चर किया जाता है मछली के साथ अब इनके कल्चर क्योंकि बैक्टीरिया है तो उसको कल्चर करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडिया की ज़रूरत पड़ती है बिना मीडिया के हम उसको कल्चर नहीं कर पाएंगे तो वो मीडिया क्या है उसके लिए कार्बन सोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी हाइड्रोजन की पड़ेगी ऑक्सीजन की पड़ेगी वो कहाँ से आ रहा है देखिए फिश के फिकल मेटल में अमोनिया है और अमोनिया में नाइट्रोजन रहती है नाइट्रोजन हमें वहाँ से अवेलेबल हो रही है आ, पानी में हाइड्रोजन अवेलेबल है ऑक्सीजन जो है पानी में भी अवेलेबल है एच अगर हम बात करें और दूसरा जो है कंटिन्यूस एरिएशन जो है इस सिस्टम में चलती है तो ऑक्सीजन वहाँ से अवेलेबल हो रही है अब इसमें सवाल उठता है कि कार्बन कहाँ से आ रहा है कार्बन सोर्स कार्बन सोर्स वी हैव टू ऐड फ्रॉम आउटसाइड हमें अपनी तरफ से डालना पड़ता है किस फॉर्म में जैसे हमारे पास गुड़ है सीरा है और वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है कि दस एक नाइट्रोजन पे हमें दस कार्बन एटम जो हैं वो बाहर से डालने पड़ते हैं सिस्टम में जी। तो अगर एक मॉलिक्यूल हमारा नाइट्रोजन का वहाँ से रिलीज़ हो रहा है उसमें हमारे फिश कल्चर में तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दस कार्बन मॉलिक्यूल जो है उसमें

अगर हम की बात करें तो उसमें कितनी कितनी सुरक्षित सुरक्षित मछली मछली है है और दूसरी कितनी सुरक्षित है। में हाँ, थोड़ा, थोड़ा सा मैं इनमें जानना आपसे लेकिन थोड़ा थोड़ा समय पहले इसको सा पूरा बता लूं आपको जी, आ, अब क्या हो रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चार चीजें हो गई ये एक मीडिया तैयार हो गया और इस मीडिया पे जो हम बैक्टीरिया डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक्स वो क्या है शुरू में तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है लेकिन जैसे ही उनको मीडिया मिल रहा है तो वो उस पर ग्रो कर रहे हैं और कॉलोनीज बना रहे हैं अपनी जी तो बैक्टीरिया इट क्या है हाई प्रोटीन है अपने आप में उनकी सिक्सटी बॉडी जो है वो प्रोटीन रहती है अदरवाइज़ हम फिश को जो भी फीड खिलाते हैं उसमें 36 से 40 परसेंट तक प्रोटीन होता प्रोटीन है तो लाइव प्रोटीन एक तरह से हमने प्रोवाइड करवा दिया जब उस पर वो ग्रो कर रहे हैं रीग्रो कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है लाइव प्रोटीन जो है फ़िश को अवेलेबल हो रहा है सेकेंडली जो हमने ए, उसमें ये जो बैक्टीरिया है दे सीक्रेट सर्टन एंजाइम्स ऑल्सो प्रोटीज़ जिनको हम बोलते हैं और वो क्या करते हैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनकी कम्बिनेशन से प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन लाइव और डेड मिलके फ्लॉक बना रहे हैं जिसको कि हम मतलब फ्लॉक इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ लाइव एंड डेड प्रोटीन्स तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बायो फ्लॉक फ्लॉक कहते हैं और वो फ्लॉक बन जा जब बन जाता है तो इट इज़ अ वेरी गुड फीड फॉर द फिश दूसरा सवाल आपने कहा कि इससे क्या टॉक्सिसिटी हो रही है या सुरक्षित कितनी हाँ सुरक्षित कितनी है। की बात देखिए इट इज़ न्यूट्रलाइजिंग द टॉक्सिसिटी कि आपकी टॉक्सिसिटी को कम कर रहा है अमोनिया अदरवाइज इज अ वेरी टॉक्सिक गैस लेकिन अमोनिया को जब कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट आइंस में तो अगर अमोनिया जो है इसकी टॉक्सिसिटी एक मान के हम चले वन पी मान के चलें तो जो नाइट्राइट नाइट्रेट आइंस हैं और नाइट्राइट हैं उनकी एक लाख गुना तक वो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है दूसरा उस नाइट्रोजन को एज ए मीडिया बैक्टीरिया खा रहे हैं तो अपने आप जो है वो सिस्टम से वो रिमूव हो, हो रही है मतलब ये ऐसी टेक्निक है कि जिसमें फार्मर की फ़ीड की कॉस्टिंग कम हो रही है अगर उसको एक किलो फिश को ग्रो करने के लिए दो किलो फीड की आवश्यकता पड़ेगी तो इस पद्धति द्वारा वो हाफ हो जाएगी मतलब एक किलो फिश ग्रो करने के लिए एक

जो पानी है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे ज़्यादा जो वो है वो पानी का अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है देखिए मैम वाटर पैरामीटर्स जो हैं किसी भी तरह का चाहे वो बया फ्लॉक फ़िश फार्मिंग है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है या हमारा तालाबों में मछली पालन है उसके लिए वाटर पैरामीटर्स का सही होना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है एक तो फिश क्योंकि खासकर बायोफ्लॉक टेक्निक में क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड छोटे सिस्टम में हम फिश का कल्चर कर रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने के बड़े चांसेस रहते हैं तो इस सिस्टम में एक चीज़ तो ये रहती है कि हमें कंटिन्यूस जो है एरिएशन जो है वो ऑन रखनी पड़ती है जी। अब हमारे फार्मर इसमें थोड़ा सा वर्ड होंगे इस चीज़ को लेके कि चौबीस घंटे जब एरिएशन चलेगी तो उस पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा उनका होगा लेकिन ऐसा नहीं है उसमें हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे रूट ब्लोअर्स तैयार किए हैं जो एरिएशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनका खर्चा जो है जितना एक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, है। उससे भी कम है तो इस तरह से उनका जो एरिएशन का खर्चा है वो काफ़ी लो हो जाता है अब एरिएशन जो है उसमें एक कंटिन्यूस जो है वो हमारी रहती है जी सर आपने बात के बीच में आपने बोला कि हमें एरिया बहुत ज़्यादा कम चाहिए होता है तो अब मैं यही जानना चाहूंगी कि ये बायोफ्लक्स जो फिशरी जो हमें करनी है हमें जो मत्स्य पालन के अगर हम मछली पालन की बात करें तो उसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है मैम देखिए अगर हम ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग की बात करें तो अगर एक वाइबल पॉन्ड कोई से बनाना है तो कम से कम भी छोटे से छोटा पॉइंट जो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आपने कमर्शियली बाइबल कोई कल्चर करना है तो वो एक हज़ार वर्ग मीटर का होना चाहिए जी। लेकिन अगर हम ये बात करें एक बायफ्लॉक टैंक लगाने के बारे में जिसकी कैपेसिटी पंद्रह हज़ार लीटर की रहती है और उसमें हम बारह हज़ार लीटर तक पानी फिल करते हैं रेस्ट स्पेस जो है ओपन रखा जाता है वाटर एक्सचेंज के लिए जी। तो आप देखिए इसका सिर्फ चार मीटर डाया है तो 200 वर्ग मीटर में आपके सात टैंक लग जाते हैं मतलब कहाँ 200 वर्ग मीटर में सात टैंक लग जाएंगे और कहाँ 1000 वर्ग मीटर में मात्र एक लगेगा स्पेस तो भी बहुत हाँ कम स्पेस कंजेस्टेड अब पानी का देखिए आप 15000 लीटर सिर्फ पानी हम यूज़ कर रहे हैं अदरवाइज लाखों लीटर पानी जो है एक फिश पॉन्ड में भरना पड़ता है तब जाके कहीं फिश फार्मिंग होती है तो कम जमीन में और कम पानी में किस तरह से कल्चर करना है उसका यही एक नवीनतम रूप जो है हमारा ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है जी सर आपने बोला पंद्रह हज़ार लीटर पानी के बारे में बात की तो अब पंद्रह हज़ार पानी जो है उसमें हम कितनी मछलियाँ पाल सकते हैं देखिए मैम आइडली जो हम रिकमेंड करते हैं इसमें पंद्रह हज़ार लीटर पानी में पंद्रह सौ मछली पालन रिकमेंडेड है लेकिन हमने जो अभी पायलट बेस पे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में किए हैं जिसमें एक नालागढ़ फार्म में किया है कुछ हमारे प्राइवेट फार्मर्स हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो कर रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा कम करके रखा है रीजन बीइंग बींग हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जगह से तो हम पंद्रह हज़ार लीटर में एक हज़ार मछली का अदरवाइज पाउंड कल्चर में देखिए एक चार मीटर डाया का टैंक है उसमें आप एक हज़ार मछली पालन कर रहे हैं अदरवाइज एक तालाब में हम कितना रिकमेंड करते हैं अगर एक्सटेंसिव कल्चर करना है तो वन फिंगरलिंग पर स्क्वेयर मीटर मतलब हज़ार वर्ग मीटर में हज़ार ही डालेंगे हजार वर्ग मीटर बहुत बड़ा एरिया होता बहुत है बहुत हाँ। और वो कहाँ लगभग 20 वर्ग मीटर में आप हजार डाल रहे तो इस तरह से जमीन और पानी जो कम समय हाँ। और कहीं कम एरिया हाँ। और जो है पानी की जो कैपेसिटी लीटर है वो भी बहुत ज्यादा कम है उसमें हम बहुत ज्यादा अच्छा जो है काम कर सकते हैं सर ये बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें और देश की भी बात करें ये कितना सक्सेसफुल है देखिए मैम इसमें इस अभी क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है नए नए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हर साल थोड़ा थोड़ा ऐड करके हो रही हैं जो कमी आ रही हैं हमारे पायलट फोटोस के उनको रिमूव किया जा रहा है लेकिन आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं रूप लेने वाला है प्रदेश में भी और पूरे देश में भी रीजन बीइंग के हमारे जो रिसोर्सेज uh, हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो बड़े लिमिटेड हैं इसमें जी। अभी ये रिसेंटली ही देखिए भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लॉन्च किया है जी। तो लगभग तीन वर्ष आप मान के चलें कि ये इस तरह का इनोवेटिव कल्चर जो है अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी इनिशियल फेज में है लेकिन इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं अगर जो मेरा एक फार्मर है वो ये लगाना चाहता है जो हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा तो उनके दिमाग में यही होगा कि अगर मैं ये काम करना स्टार्ट करता हूँ सेटअप स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए कितनी लागत कितनी आएगी और दूसरा मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इसके लिए हमें सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की जाती है इसका और सेटअप कैसे लगाया जाता है जी मैम इसका जो देखिए सबसे छोटा सेटअप हम रिकमेंड करते हैं वो है सात टैंक का जी सेवन टैंक उसमें आपका लागत जो है लगभग साढ़े सात लाख रुपया है जी इससे कम भी रह सकती है लेकिन अगर प्रॉपर क्वालिटी का हम यही रिकमेंड करते हैं कि कम से कम फार्मर जो है 900 सौ जी का मटेरियल लगाए उससे कम का भी 500 का भी अवेलेबल है मार्केट में 600 का भी है लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी देखनी है अपने सिस्टम की तो 900 हंड्रेड जी का मटेरियल वो उसमें लगाए तो उसके लिए कॉस्टिंग है लगभग साढ़े सात लाख और जहाँ तक रहेगी सरकार की सहायता की बात सरकार बहुत अच्छा अनुदान जो है इस स्कीम के अंतर्गत दे रही है जी। आ, हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसके अंतर्गत 60 प्रतिशत सब्सिडी जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और वुमेन ऑफ एनी कैटेगरी वुमेन चाहे वो जनरल कैटेगरी की भी हैं चाहे किसी भी कैटेगरी है उनको 60 प्रतिशत अनुदान जो है वो सरकार द्वारा दिया जाता है यानी कि साढ़े सात लाख का 60 प्रतिशत साढ़े चार लाख तो सरकार दे रही है Uh, जो जनरल कैटेगरी रेस्ट बच गए उसमें फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट यूनिट कॉस्ट, यानी कि साढ़े सात लाख का फोर्टी परसेंट तीन लाख रुपए वो है वो सरकार वहन करती है तो एक जी. बहुत बड़ा अमाउंट जो है इसमें सरकार की तरफ से सपोर्ट के रूप में हमें मिल रहा है जी hmm. सर ये सेटअप भी हमने कर लिया तो अब इसके लिए जैसे आपने हमें बताया कि किस तरह से इसको सेटअप करना है और जो हमें जैसे पानी का लेवल और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबके बारे में आपने बताया तो उसके लिए फार्मर को ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है ये बड़ा है। अच्छा सवाल किया मैम आपने क्योंकि ट्रेनिंग के, हाँ। ट्रेनिंग के बिना ट्रेनिंग के मछलियों को पालना मुझे लगता है बहुत मुश्किल का बिल्कुल सही बात है अदरवाइज कैसे अदरवाइज क्या होता था कि जैसे पोर्ट कल्चर में हम कोई तालाब है उसमें मछलियाँ डाल दो बाद में लोग कम ही ध्यान देते हैं या आटा डाल दिया है या प्रॉपर फीडिंग ना भी हुई तो भी वहाँ पे जो लेंगटॉन्स वगैरह उगते हैं उसको खा के मछली ग्रो करती है लेकिन बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली क्या है एक आर्टिफिशियल कल्चर है जिसमें टारपुलिन के टैंक्स रहते हैं उन्हीं टैंक्स में ये कल्चर किया जाता है चार उसमें लगभग पंद्रह हज़ार लीटर पानी होगा कंजेस्टेड होगा तो वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करना जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारे फार्मर इसको सीखें इसके लिए विभाग जो है वो समय समय पर ट्रेनिंग कैंप्स लगाता है हमारा एक डेमोस्ट्रेशन यूनिट बायोफ्लॉग फिश फार्मिंग का हमारे गवर्नमेंट फार्म फिश फार्म नालागढ़ में लगा हुआ है वहाँ पे हम इनको ट्रेनिंग करवाते हैं अपने फार्मर्स जो भी इंटरेस्टेड हों उसमें प्रॉपरली बताया जाता है कि किस तरह से आपने बायोमीडिया तैयार करना है किस तरह से फ़िश को फीड करवाना है Uh, किस तरह से इनके वाटर के पैरामीटर्स जैसे तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं पीएच डी ओ और टेम्परेचर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम बात कर रहे हैं तो मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया देख रो वेस्ट एट टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पी एच इट शुड बी बिटवीन सिक्स पॉइंट सेवन टू सेवन पॉइंट सिक्स यानी कि छः पॉइंट सात से सात पॉइंट छः के बीच में हमारे यहाँ पी एच लेवल मेंटेन होना चाहिए जो अमोनिया है इसके लेवल चेक करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अमोनिया का कंसनट्रेशन अगर आपके सिस्टम में फोर पी पी एम को क्रॉस कर जाता है तो टॉक्सिसिटी होने की संभावना है हमें यह भी चेक करना पड़ता है कि अगर अमोनिया बहुत ज़्यादा हो गया तो फिश मोर्टेलिटी जो है वो एक साथ हो सकती है तो ये सारा कि वाटर पैरामीटर्स को कैसे मेंटेन करना है इसके लिए विभाग जो है समय समय पर ट्रेनिंग्स जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो अपने जो हमारे डेमोस्ट्रेशन यूनिट हैं चाहे वो प्राइवेट फार्म्स पे हैं चाहे गवर्नमेंट फार्म्स पे हैं वहाँ पे हम आ, फार्मर्स के लिए लगाते हैं जी ये जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की भी आपने बात की जैसे कोई स्कीम्स है कोई सेटअप है तो आ, किसानों को जागरूक भी किया जाता है किस तरह से किसानों को जागरूक किया जाता है मैम इसके लिए हाँ अवेयरनेस कैंप जो अवेयरनेस कैंप अवेयरनेस कैंप जो है विभाग जो है अपने अलग अलग उसमें हमारा स्टेट प्लान है उसमें भी प्रोविजन होता है जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसके अंदर भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम गांव की पंचायतों में जाके लगाते हैं जिसमें रूट लेवल तक हमारे अधिकारी और कर्मचारी पहुंचते हैं और लोगों को बताते हैं कि विभाग की ये स्कीम्स हैं और इसका फ़ायदा जो है जो है हमारा कॉमन बेनिफिशरी जो है, है वो ले सकता है सर कई बार ऐसा होता है अगर हम खेती की बात करें कोई समस्या दिखती है तो जो समस्या दिख रही है तो उसको थोड़ा एक दिन या दो दिन डिले किया जा सकता है पर मछली पालन में ऐसा नहीं है कि जब उसे किसान को लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपनी मछलियों को जो है वो बचाना है तो वो कैसे जो है विभाग से कॉन्टैक्ट कर सकता है कैसे उनसे जो है अपनी मदद ले सकता है मैम इसके लिए विभाग की अपनी एक वेबसाइट है उसमें आ, आ, फार्मर की प्रॉब्लम शेयरिंग का कॉलम रहता है कोई भी फार्मर कभी भी दिक्कत होती है सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं उसमें हमारे जितने भी टेक्निकल ऑफिसर्स हैं सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो फार्मर जो है जब प्रोग्राम जैसे ये सेटअप लगाता है तो उस वक्त किसी हमारे ऑफिस के थ्रू ही वो सेटअप जो है वो लगाया जाता है तो उस वक्त तो उसको पूरी डिटेल्स दी जाती हैं कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने किसको कांटेक्ट करना है और उसको पूरा ट्रेड किया जाता है क्योंकि मछली जो है वो आप बात कर रहे हैं जैसे फिश को प्रॉब्लम होगी तो फ़िश को प्रॉब्लम होने से पहले फ़िश उसके सिम्टम्स देती है उस लगिश हो जाएगी फीड खाना कम कर देगी उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी लाइक दैट तो वो सारी ट्रेनिंग जो है फार्मर को दी जाती है और फार्मर उसको रीड कर सकता है कि आज मेरी फिश ने फीड प्रॉपर नहीं ली आज इसका मूवमेंट जो है कंपैरेटिवली स्लो है इसकी इस जैसे फीड डालती है तो फिश जो है फ़ीड पे अटैक करती है तो वो अटैक नहीं कर रही है तो ये सारे इस चीज़ के लक्षण हैं कि देर इज़ समिस्टर्बेंस इन द वाटर पैरामीटर्स और इधर समथिंग एल्स के आपकी फिश अदरवाइज भी डिजीज हो सकती है तो उस सारी चीज को फार्मर को ट्रेन किया जाता है उसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो हमारे अधिकारी और फील्ड लेवल के जो टेक्निकल कर्मचारी हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं सपोर्ट के लिए जी मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि जैसे सर ने बताया कि कोई भी दिक्कत आती है तो विभाग जो है उन्होंने नंबर दे रखे हैं वो इमीजिएटली जो है आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी समस्या का जो है वो समाधान देंगे सर सबसे बड़ा कोई भी पालन हम करते हैं चाहे पालन की बात करें या हम फिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हाइजीन जो मेंटेन करना वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है तो हाइजीन मेंटेन कैसे किया जाता है देखिए मैम ये तो डिपेंड करता है कि फार्मर काम किस तरह से कर रहा है उसको पूरा ट्रेन किया जाता है हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये है देखिए मैंने एक चीज़ तो पहले ही बताई हम इस टेक्निक को इसीलिए डेवलप कर रहे हैं कि ताकि पानी की टॉक्सिसिटी कम हो तो एक तो जैसे एक सवाल रहता है सबके मन में कि ये तो फिश के फिकल मैटर को ही फीड में कन्वर्ट किया जा रहा है तो क्या ये फिश हेल्दी होगी जी हम उसमें से जो यूजफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल प्रोटीन्स में ऐसा तो कोई शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में जो फिश है इट इज एज गुड एज अदर फिश जी इसमें कोई ऐसी हाइजीन की दिक्कत नहीं है हाँ ये डिपेंड करता है कि फार्मर हमारा कितना अवेयर है इस बारे में जी। हाँ विभाग इसके लिए पूरी ट्रेनिंग जो है अपने फार्मर्स को देता है कि आपने बायोफ्लॉक सिस्टम के अंदर फिश की हाइजीन को जो है वो कैसे मेंटेन करना है जी सर इसमें अगर हम जाना चाहें तो मछली जो है वो कितने समय में जो है वो तैयार हो जाती है देखिए मैम इसके लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मछली की कौन सी प्रजातियां इसमें कल्चर की जाती ची, है हाँ, ये जानना क्योंकि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में सभी प्रजातियों का कल्चर नहीं हो सकता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जैसे हमारी कोल्ड वाटर में ट्राउट फिश है इसको हम बायोफ्लॉक में कल्चर नहीं कर सकते कारण आप इसी प्रोग्राम में मैंने बता दिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बेस्ट ग्रो करेंगे वो काम करेंगे तभी हमारा बायोफ्लॉक सक्सेसफुल होगा लेकिन ट्राउट मछली तो ठंडे पानी की मछली है तो, तो वो वो नहीं वो इसमें नहीं हो सकती इसके लिए जनरली हम कैट जैसे हमारा पेंगेशियस है हमारी सिंगी फिश है वियतनाम कोई है इस तरह की मछलियों का पालन जो है या फिर हमारी हंगेरियन कॉमन कार्प है उसका भी हमने ट्रायल किया था वो भी सक्सेसफुल रहा है तो ये मछली की वेराइटियाँ हैं पेंगेशियस है सिंगी है वियतनाम कोई है या फिर हंगेरियन कॉमन कार्प है ये ये प्रजातियां जो हैं इसमें कल्चर की जाती हैं रीज़न बीइंग कि इनके लिए बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर है ग्रोइंग का जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी है जो कि बायोफ्लॉक बनाते हैं बनाते हैं तो तो ये सर आपने बताया कि जो मछलियां हैं उनमें इसमें बायोफ्लॉक्स में जो है वो लिमिटेड मछलियां जो आपने बताई वही उन मछलियों को जो है हम आ, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि साल में कितना ग्रो कर सकते हैं देखिए बायोफ्लॉक में हम वही फिश कल्चर करते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ढाई से तीन ग्राम के बीच में रहे जी। अब ये जो मछली की प्रजातियाँ हैं जैसे मैंने बताया ये टेम्परेचर सेंसिटिव हैं सारी जैसे ही टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है तो ये मरनी शुरू हो जाती हैं तो इनके लिए बेस्ट ग्रोइंग पीरियड रहता है फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स हम इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं जी, तो एवरेज जो है पर टैंक हार्वेस्ट जो है वो दो से ढाई क्विंटल जो है जो, फार्मर जो है ले सकता है और अगर उसका सात टैंक का सेटअप है तो लगभग डेढ़ मीट्रिक टन मछली जो है वो उस सेटअप में तैयार कर सकता है मतलब 200 सौ वर्ग मीटर में डेढ़ मीट्रिक टन कर ली उसने अदरवाइज डेढ़ मीट्रिक टन के लिए कम से कम भी तीन हजार स्क्वेयर मीटर का पौंड चाहिए आपको तो वो डिफरेंस है इस इंटेंसिव एक्वाकल्चर में और हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फिश जो कल्चर में आपने बताया सर अब जो भी कई फार्मिंग जो भी करता है उसका मेन मोटिव होता है कमाई करना वो कितना जो है वो अर्न कर सकता है इस मेथड से अगर हम विश, फिश फार्मिंग करते हैं देखिए मैम इकोनॉमिक वाइबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है ये डिपेंड करता है फार्मर किस तरह से काम कर रहा है क्योंकि ये फीड वेस्ट कल्चर है आपका फीड का भी खर्चा होगा आपका वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन रखना है उसका भी कॉस्टिंग आएगी आपकी एरिएशन 24 फोर आवर्स चलेगी उसकी भी कॉस्टिंग आएगी तो थोड़ा सा इस मैटर में लेकिन क्योंकि आप इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं इसलिए आपका फ़ायदा इसमें फिर भी रहता है ज़्यादा रीज़न बीइंग आपने छोटे से उसमें सेटअप लगाया है आपका पानी का खर्चा कम है ज़मीन आपकी कम यूटिलाइज हुई है तो भी आ, फोर्टी परसेंट मतलब अगर सौ रुपया फार्मर का खर्चा हो रहा है तो उसमें से चालीस से पैंतालीस बार बार हम फीड की बात कर रहे हैं तो जैसे हम पॉन्ड्स में जब हम मछली में आते हैं कोई भी आता है तो कोई भी उसको कुछ भी जैसे गोलियां बना के आटे की गोली बना के दे दी या अलग अलग तरह का जो फीड मछली का होता है हम वो देते हैं तो इसमें जो है वो फीड का कैसे ध्यान रखना पड़ता है कि स्पेसिफिक फीड्स ही देने पड़ते हैं मछली को बिल्कुल मैम ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा पौंड में आप कार्बोहाइड्रेट रिच फीड डाल देते हैं जैसे आटा डाल दिया कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ऐसा हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में नहीं कर सकते उसमें एक बैलेंस्ड फीड है जिसमें के हमारा प्रोटीन रहता है हमारा फैट का कंटेंट रहता है मॉइस्चर कितना होगा उसमें और कितना उसमें कार्ब्स रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो एक बैलेंस्ड फीड जो है वही रिकमेंडेड है और वो आ, फिश की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दी जाती है अगर आप पेंगेशियस कल्चर कर रहे हैं तो पेंगेशियस स्पेसिफ़िक फीड उसको दी जाएगी अगर आप सिंघी का कल्चर कर रहे हैं तो सिंघी स्पेसिफ़िक उसमें कंपोजिशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क जो है वो उन फीड्स का रहता है लेकिन ये फीड्स अवेलेबल रहती हैं मार्केट में ईज़िली तो ऐसी कोई दिक्कत फार्मर्स को नहीं आती है कि भाई फ़ीड के लिए उन्हें कहीं से मतलब भटकना पड़े जिसमें विभाग जो है अपने फार्मर्स की पूरी हेल्प करता है सर जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात करें तो बीच बीच में क्या विभाग द्वारा जिन्होंने प्लांट्स लगाए हैं तो उनको एग्जामिन किया जाता है कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या इनमें कोई अलग से जो ट्रेनिंग है या कुछ नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस की जा रही है तो क्या फार्मर्स तक जो किस तरह से अवेलेबल करवाए जाते हैं मैम देखिए विभाग जो है मोनीटरिंग प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो है अपने जितने भी हमारे एसेट्स हैं क्योंकि जितने भी एसेट्स फार्मर हमारे लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विभाग से जुड़े हुए हैं विभाग कहीं ना कहीं उन सारे एसेट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट मनी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है चाहे वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या कोई और स्टेट प्लान में उनको सब्सिडी दी गई तो एक मॉनिटरिंग कमेटी विभाग की टाइम टू टाइम जो है सबकी उनकी मॉनिटरिंग करती है दूसरी रही फार्मर्स की समस्याओं का उसके लिए हमारा विभाग हाँ विभाग जो है मोबाइल नंबर सबको देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेल है तो इस सारी चीज़ें जो है वो विभाग देख रहा है सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद आज हमने जाना कि किस तरह से कम खर्च कम जगह और कम समय में हम जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं एक फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही अगले हफ्ते हाँ फिर मिलेंगे नमस्कार